हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपने देखा होगा कि बॉन्ग कॉइन जो है वो सारी की सारी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुका है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बाइनेंस के ऊपर एक कल के दिन ही लिस्ट हुआ है, जो कि लास्ट सबसे बड़ा एक्सचेंज था जिसके ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है। उससे पहले बड़ा एक्सचेंज कॉइनबेस एज ऑब्वियस कि उसके ऊपर भी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन बाइनेंस के ऊपर आज इसकी जो वॉल्यूम है लगभग 36-37% बाइनेंस के ऊपर ही चल रही है। चाहे कितनी भी एक्सचेंजेस ने पहले इसको लिस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके ऊपर ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बॉन्ग कॉइन अभी और भी बहुत कुछ करने वाला है, और इसकी लगातार अपडेट्स आ रही हैं। सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं हुई है, बल्कि इसी के साथ साथ और भी अच्छी अपडेट्स आई हैं, जिससे बॉन्ग कॉइन अब फिर से एक हमें थोड़ा और प्रॉफिट दे सकता है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ बॉन्ग कॉइन के बारे में। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मीम कॉइन्स चलेंगे। एक ज़माना था जब सेफ मून जैसे नए कॉइन्स आए थे, जो कि नए मीम कॉइन्स का टाइम इन्होंने शुरू किया था, तब सेफ मून बहुत ऊपर गया था, प्रॉफिट भी दिया था। लेकिन आज के समय में अगर हम सेफ मून देखें तो इन्होंने चैप्टर 7 बैंकरप्टसी ऑलरेडी फाइल कर ली है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं अंडर SEC चार्जेस, जिसमें 3 एग्जीक्यूटिव है और इनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लग चुके हैं, अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग्स के भी चार्जेस लगे हैं, यानी कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो सिक्योरिटीज इनको बताया जा रहा है। तो जो भी प्रोजेक्ट US में होता है वो जनरली ऐसे ही फंस जाता है। तो ये मेरे बताने का सिर्फ मतलब इतना था कि हमेशा ये जो मीम कॉइन्स आते हैं इन्वेस्ट करें, जब ट्रेंड चल रहा है इसमें प्रॉफिट भी अर्न करें, लेकिन इसको कभी भी वॉलेट्स में हमेशा के लिए ना रखें। थोड़ी रीसेंट एग्जांपल भी बता देता हूँ, आपने मीम कॉइन भी देखा होगा, मीम कॉइन जो मीम लैंड का था उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, बहुत ज़्यादा वायरल रहा कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी उसका कोई भी नाम तक नहीं ले रहा है, क्योंकि नए से नए कॉइन्स आते जाएंगे जो कि मीम कॉइन्स है, ये फास्टली आते हैं फास्टली जाते हैं। उसकी जगह मैं आपको कई सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स भी बताता हूँ जो आप आज होल्ड करके स्पॉट वॉलेट में रख के भूल भी जाते हैं तब भी आपको वो प्रॉफिट ही देने वाले। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर हमेशा शेयर करता हूँ, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। और अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे वॉल्फ्रेड डिस्कस के नाम से ग्रुप है, उसके ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो रहने वाला बॉन्ग कॉइन के बारे में, क्योंकि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, और सबसे बड़ा इसका रीजन यही है कि ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर आया है। सोलाना के ऊपर होने की वजह से बॉन्ग कॉइन अभी भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, और इसमें आप प्रॉफिट्स भी अर्न कर पाएंगे। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो जिन लोगों ने हमारा लास्ट बॉन्ग कॉइन का वीडियो देखा होगा, आपने हर एक चीज वहां पे नोटिस भी करी होगी, वहां पे मैंने आपको लाइव होने की इसकी अपडेट्स दी थी, जिसमें कॉइनबेस का बताया था और बाइनेंस का भी उसके साथ के साथ ही हो गया था इस वक्त। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 आवर्स का जो टॉप है वो तो ICP कर रहा है, 24 आवर्स का जो सबसे ज्यादा लूजर है वो बॉन्ग कॉइन ही है। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं, यानी कि बाय करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी नीचे एक मौका मिलेगा। और इसमें पोटेंशियल क्यों दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्स की एक्टिविटीज़ है वो बढ़ रही हैं। वेल्स की एक्टिविटीज सिर्फ इतना ही नहीं है कि बाय करके ट्रांसफर करना, बल्कि एकुमुलेशन हो रहा है, एकुमुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉइन्स का किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ सोलाना की भी बहुत ज़्यादा एकुमुलेशन हो रही है। तो जब भी मैं बॉन्ग का नाम लूँ तो बॉन्ग के साथ साथ जो एक्चुअल मटीरियल बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है, वो सोलाना का ही बढ़ रहा है। बॉन्ग तो आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, लेकिन सोलाना लॉन्ग टर्म में हमेशा बेस्ट रहने वाला है। सोलाना इस वक्त ऑलरेडी XRP BNB को कंपटीशन दे रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो टॉप 3 ऑल्टकॉइन्स में से एक ऑलरेडी सोलाना आने वाला है, और ये डिफरेंस सिर्फ 1.5 बिलियन वॉल्यूम का ही है, जो कि 1.5 बिलियन का मार्केट कैप का है। इसके बाद ये XRP को भी बहुत बुरे तरीके से कम्पीट करने वाला है। तो जितना ज्यादा बॉन्ग कॉइन नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल में क्या कि लिस्टिंग सारी हो चुकी है, इसकी कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अभी बॉन्ग कॉइन ने अपने नए प्रोजेक्ट्स लाने शुरू कर देने हैं, जैसे कि शिबा इनू ने किया है, क्योंकि एक बार ये प्रोजेक्ट चल गया, अब इसके बाद इनके लगातार कुछ ना कुछ आते रहेंगे, कुछ इंटीग्रेशन आते रहेंगे। आप देख सकते हैं इसकी अभी वैल्यू में 4 जीरोस हैं, आई थिंक शिबा इनू से ये मच बेटर है, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी आज का देखें 24 आवर्स का वॉल्यूम भी देखते हैं तब भी ये शिबा इनू को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। आज के समय में ये 8th पोजीशन पर चल रहा है, जिसमें टॉप ऑल्टकॉइन्स में से यहाँ पे इथेरियम आता है, सोलाना आता है, एवलांच आता है, और उसके बाद बॉन्ग आता है। बाकी जो 2-3 है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स ही हैं, लेकिन बॉन्ग इतना बड़ा कंपटीशन दे रहा है और इसका वॉल्यूम इतना तेजी से यहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे bongcoin.com जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो नहीं खुल रही है, लेकिन लगातार इसकी पॉजिटिव अपडेट्स ही आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त जो सोलाना है, सोलाना का भी वॉल्यूम बढ़ चुका है, लगभग 5% से सोलाना में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है, और वो भी सिर्फ बॉन्ग की वजह से। लेकिन जब से प्राइस नीचे गया है यहाँ पे बॉन्ग में लिक्विडेशंस भी काफी सारी हुई हैं, $6 मिलियन से भी ज्यादा हुई हैं, तो वो सिर्फ लॉन्ग्स के साथ हुआ है। अभी फिर से लॉन्ग करने का मौका आपको मिलने वाला है। तो बाइनेंस के ऊपर हमें यहाँ पे पेयर्स मिले बॉन्ग USDT, बॉन्ग का FDST के साथ और बॉन्ग का ट्राई के साथ। हमें लग रहा था कि ये शायद एक लास्ट अपडेट ही होगा बॉन्ग का, क्योंकि इसके बाद कोई ना तो एक्सचेंज बची है ना फिर इसका कोई नया अपडेट आने की पॉसिबिलिटी है,
लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी अपडेट जो मिलती है वो ये कि बॉन्क का यहाँ पे ट्रेडिंग विद जीरो फी कन्वर्ट सर्विस भी चल रही है बाइनेंस के ऊपर, और जिससे क्या है कि इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो कन्वर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को किसी और कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बाइनेंस के ऊपर करते हैं यहाँ पे कई बार ऐसी ऑफर्स आते हैं जिसमें फ्री में कर सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे चल रही है। काफ़ी सारे पेयर्स हैं लेकिन उनमें से एक ये बॉन्क भी आ चुका है, क्योंकि इनको डायरेक्टली फिएट करेंसीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि इसको डायरेक्टली यूएसडी जो कि यूएस का एक्चुअल डॉलर ना कि टेथर है उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी फीस के। तो जिन लोगों ने बाय किया यहाँ पे ऑलरेडी उनको सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया और उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लिया या फिर किसी और फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा ये कि जिनके पास ऑलरेडी यूएसडी पड़ा है या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं वो बिना किसी फीस दिए इसको बॉन्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ताकि वो इसको होल्ड भी कर पाएं। तो ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप है जो कि बाइनेंस ने उठाया, और इससे सपोर्ट बॉन्क को और भी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अभी जो एक टेम्परेरी डंप चल रहा है ये डंप सिर्फ बॉन्क में नहीं चल रहा बल्कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्परेरी होता है, लास्ट भी आपको मैंने बताया था। लेकिन इस वक्त सोलाना और बॉन्क एक दूसरे का सहारा बनकर चल रहे हैं, बॉन्क की वजह से सोलाना बढ़ रहा है, और सोलाना की वजह से यानी कि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से बॉन्क कॉइन में एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है, काफ़ी सारी इसकी एक्युमुलेशंस भी हो रही हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो है बॉन्क का खुद का यहाँ पे एक तो बॉन्क बॉट आना, जिससे क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग करी जा सकती है, बॉन्क बॉट के द्वारा ट्रेडिंग करी जा सकती है, आप अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप है जो कि बॉन्क ने उठाया, क्योंकि यहाँ पे हाइप खत्म होते होते इन्होंने बचा ली। फिर उन्होंने बॉन्क मास लाया जिसमें क्या कि ये कुछ स्लीक कार्ड दे रहे हैं जिसमें सरप्राइजेस हैं, कल के दिन ही इसकी crypto.com के ऊपर भी लिस्टिंग हुई, तो यानी कि एक्सचेंज तो इन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा है। लेकिन एक्सचेंज के बाद हमेशा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी मीम कॉइन का या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का, वो है इन्होंने अपना खुद का स्वैप लाना, यानी कि bonkswap.io। इन्होंने डोमेन तो अपनी ले ही लिए और इसके ऊपर हर एक चीज़ हमें लाइव दिखने वाली है। तो शिबा का हमने शिबा स्वैप की वेट करी, शिबा स्वैप जब भी आया था बहुत बड़ा प्रॉफिट बना था शिबा स्वैप में। अभी जैसे कि बॉन्क का नाम चल रहा है, बॉन्क की हाइप बनी हुई है, तो इस दौरान क्या है कि बॉन्क की जो हाइप है वो ऐसे सडनली ख़त्म नहीं होने वाली। और वैसे भी ये सोलाना नेटवर्क के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे 3400-3500 ट्रांजेक्शन पर सेकंड चल रही हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी ब्लॉकचेन्स की बात करें, इथेरियम की बात करें, तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो बॉन्क ने अपना डिफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया बॉन्क स्वैप के नाम से, ऑलरेडी जो वेबसाइट है लाइव हो चुकी है, तो लगातार इनका जो इकोसिस्टम है वो बढ़ने वाला है। बॉन्क स्वैप हो गया, बॉन्क मास हो गया, बॉन्क बॉट हो गया, और अभी कुछ ही घंटों पहले ये क्यूब एक्सचेंज के नाम से एक एक्सचेंज है उसके ऊपर भी इन्होंने लिस्टिंग करी है। तो यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है क्यों मैं आपको बोल रहा था कि इसकी हाइप खत्म नहीं होने वाली। इन्होंने प्रोजेक्ट अभी और भी लॉन्च कर दिए, एंड न्यू ईयर तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे, जिसकी वजह से हम अभी 10-15 दिन और इसमें प्रॉफिट्स देख पाएंगे। तो ये हमारा वीडियो था आज का रिलेटेड टू बॉन्क कॉइन, जिसमें हमने सोलाना की भी बात करी एंड इवन सेफ मून की बात करी। सेफ मून से आपको यहाँ पे बता दें कैसे आपने अपनी खुद की सेफ्टी भी रखनी है, चाहे वो कोई भी कॉइन क्यों ना हो, चाहे मीम कॉइन हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, दिखना क्यों ना हो, आपने उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है और निकलना भी ज़रूरी है। इसी के साथ एक और मैंने कैंपेन शुरू करी है, मैं आपको बताना भूल गया था कि हम एयर ड्रॉप्स दे रहे हैं बिटमार्ट के ऊपर, लेकिन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने साइन अप करके अपनी जो बिटमार्ट आईडी है वो कमेंट्स में डाल देनी, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाओ, वहाँ पे इसकी ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है कि आपने एयर ड्रॉप्स कैसे लेने, हर एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे पर्सनली बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को ताकि आप अप टू डेट रहें और कोई भी कॉइन मिस ना करें, क्योंकि बिटमार्ट के ऊपर हर एक कॉइन पहले आता है। फॉर एग्जांपल बॉन्क कॉइन जो है वो बिटमार्ट के ऊपर बहुत समय पहले आ चुका था, तो जिन लोगों ने पहले ये बाय किया हुआ था या फिर जिनको एयर ड्रॉप मिल गया था, एनी और कुछ मिल गया था, आज उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किया है। तो ऐसे ही कॉइन्स को स्टार्टिंग में लेने में ही फायदा रहता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।